सेवा 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 जोहार सभी शक्तियों को पेन शक्तियों को मेरा सेवा जोहार फड़ा पेनता सेवा सेवा सभी सगा जनों को मेरा सेवा जोहार जंगो लिंगो दाइना सेवा सेवा। मैं कोयतार संध्या धुर्वे एडमिन हूँ, गोनियन चैरिटी की संस्थापक हूँ और पेशे से ऐसा जिला अभियोजन अधिकारी हूँ। छोटा सा वीडियो इसके पहले ट्रायल लिया था, अब लाइव आ जाइए आप लोग भी। बाहर का शोर बहुत सुनाई दे रहा था इसलिए आज गोंडवाना दर्शन के माध्यम से मैं आपके बीच अपने अनुभवों को और अपने कार्यों से रूबरू करवाऊंगी। और मैं हमेशा अपने वक्तव्य में एक चीज़ बोलती हूँ कि सबसे पहले आपकी और मेरी एक पारिवारिक संबंध जैसा एक नाता होना चाहिए। जब तक आप मेरे बीच में ये दूरियाँ ख़त्म हो जाएंगी और हम एक घर के सदस्य की तरह बात करेंगे, प्रश्न करेंगे और मुझे आप सुनेंगे तो हम बेहतर समझ पाएंगे। अब चूंकि मैं समाज में इस तरह की पहली महिला हूँ जो पेशे से अधिकारी होते हुए भी अपना समय दे रही हूँ समाज को और बहुत सारी अपेक्षाएं रखती हूँ समाज में सुधार के, और आने वाले समय में मैं उसको ऐसी दिशा में ले जाना चाहती हूँ कि हमको हमारी परंपराओं को, हमारी रीति रिवाजों को और हमारे हर चीज़ों को, हमारी कोयतूर सभ्यता को दुनिया पहचाने। और जहाँ तक मुझे जानने वाले हैं वो जानते हैं अभी तक के कि मैंने जो ठान लिया है वो करके मैं रहती हूँ और बहुत जल्दी उस चीज़ को मैं कोशिश करती हूँ आप तक पहुँचे। सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और मेरी आवाज़ अगर आ रही होगी तो आप लोग हाँ करके कोई भी एक रिप्लाई दे दीजिए एक सदस्य, तो मैं आपसे जुड़ती हूँ और आपसे अपने विचार बताती हूँ। एक सदस्य बोल दीजिए, आवाज़ परफेक्टली आ रही होगी तो। जी अभी तक किसी का कमेंट्स नहीं आया है तो मैं अपनी बातें आपके बीच शेयर करती हूँ। और जैसे कि मैं जानी जाती हूँ कि मैं अपने शॉर्ट में कोई भी बातें करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बातें करने की नहीं है, क्योंकि जो बात हमको करनी है वो जल्दी से जल्दी ही करनी चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और तो मैं अपने गेटअप में कैसे लग रही हूँ, मेरा भी कॉन्फिडेंस, मैं आज बहुत नर्वस थी और मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि दीदी ये सब बंधन के आ गई हैं, लेकिन भाई मुझे आज और अब भी वक्त में आपको सिखाना है, कुछ ना कुछ तो सिखाना है। बोली, भाषा, संस्कृति, परंपरा, अधिकार, कानून, सुरक्षा, पर्यावरण और एवरीथिंग। और जब इन चीज़ों से हम परफेक्ट हो जाएंगे तो हमारे समाज को कोई ना पिछड़ा बोलेगा ना ही असभ्य बोलेगा। मैं बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं करती हूँ लोग मुझे असभ्य बोलते हैं, या कई लोग बोलते हैं कि हाँ हम असभ्य हैं, हम राक्षस हैं। नो, हम क्यों माने अपने आप को राक्षस जब हमने देवताओं के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया है, तो हम क्यों राक्षसों को के अस्तित्व को स्वीकार करें। हम कल प्रकाश सलाम दादा जी का लेक्चर मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा है, उनके लिए धन्यवाद। गोंडवाना दर्शन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उषा अत्राम आंटी पता नहीं आई हैं कि नहीं, अभी तक मुझे देख रही हैं कि नहीं, क्योंकि मैं पंचवल रही हूँ कभी भी अपने काम के प्रति, तो मैं टाइम पे आ गई हूँ और उम्मीद है जल्दी सुनेंगे। वैसे मुझे 1.5 घंटे के आसपास दिया गया है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मैं 1 घंटे में सब फिनिश करूँ। और लाइव बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी चीज़ें लगेगी। और देखिए हर अभी आप है, आप मेरे सबसे बड़े और सबसे स्नेही स्वजन कहलाएंगे, वो इसलिए क्योंकि आप मुझे सुनने के लिए वक्त दे रहे हैं। लोगों के पास वक्त नहीं है भाई इतना भी सुनने का कि हम आपको सुने और आपको ये करें वो करें, बाद में देख लेंगे वीडियो, तो ये है ना, ये बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। मैं बोली ना, गोंडवाना दर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे समझा। और टैलेंट अगर है समाज में तो उनको निखारिए। मेरे जैसी युवती अभी समाज में पता नहीं मैं क्या करूँगी आगे, लेकिन ये तो मैं जानती हूँ कि मेरे जैसे 10 युवती अभी खड़े करना बहुत नामुमकिन होगा, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से अपने जैसे ही लोगों को मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और मैं भी एक छोटे बच्चे की बेटी माँ हूँ और मेरी बेटी मुझे वहाँ से ताक झाँक करके देख रही है कि मम्मा कुछ बोल रही है समाज में, तो मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभानी है। मुझे अपना ऑफिस निभाना है, मुझे अपना काम निभाना है, मुझे समाज के लिए सोचा है, मुझे परिवार निभाना है। रूही मुंह फुलाए बैठी है, उनको भी आने का है, लेकिन मैंने उनको नहीं आने दे रही हूँ और मैंने अपना दरवाजा बंद कर लिया है।
तो इस संघर्ष और इस ऐसी चीजों पर भी आप लोगों को, महिलाओं को, मातृ शक्तियों का साहस बढ़ाना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा खुलकर आप लोगों के सामने आए। और जल्दी से अब मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मेरी कल्पना बहुत अच्छी रही है और 2018 से ही उपजी है ये कल्पना तो मेरी, चैरिटी वाली। मैं गोंडियन चैरिटी की संरक्षक रही हूँ। बार बार आप लोगों से उम्मीद करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि आप गोंडियन चैरिटी में मिलिए, मिलिए, मिलिए। आप लोग गोंडियन चैरिटी को उतना ध्यान नहीं देते हैं। और अभी भी समाज में इस चीज़ें हैं कि जो चीज़ें ज़्यादा दिखती है या आप इंटरेस्ट रखते हैं उसको ही देखते हैं। जैसे मैंने कल अंडे का ऑमलेट बना के रखा तो उसको 450 लोगों ने लाइक किया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने उसको लाइक उसको मैंने लिखा कि हमारे चैरिटी का जो अगला सत्र होगा, इस सत्र का वृक्षारोपण और संवर्धन है, तो आप आगे आइए, तो उसमें किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। तो ये चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हमारे अंदर है कि हमको भी किस तरह की बदलाव हमको चाहिए। कि अगर कोई संस्था या कोई जैसे हम जैसे लोग अगर इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, अब बारिश का मौसम है और हम अगर ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, अगर हमने ऐसी थीम दे रखी है, अपने आप को प्रकृति शक्ति बोलते हैं, प्रकृतिवादी बोलते हैं, प्रकृति पर निर्भर बोलते हैं, प्रकृति को देवता मानते हैं, तो इनका संरक्षण हमको करना चाहिए। हम किसके भरोसे छोड़ें ये सब? तो मेरा नेक्स्ट अभी कल का यही बता रही हूँ कि जब मैंने स्टेटस में रखा कि जो वृक्षारोपण और संवर्धन के लिए आप मेरे कैंपेन में मिलिए, तो एक भी बंदे ने, मतलब ले दे के 10 लोगों ने ही बोला कि जी दीदी, जी जी दीदी। तो ऐसा नहीं होगा ना भाई, आपको हर चीज़ में इंटरेस्ट मेरी तरह ही रखना होगा। जरूरी नहीं कि मैं रखूँ तो ही मेरे जैसे ही रखें, आप मेरा 5% भी रख सकते हैं। गोंडियन चैरिटी के लिए मैंने एक इस तरह का एक लॉन्च किया था, देखिए अगर आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है कि बताइएगा तो, और उल्टा दिख रहा होगा तो इसको मैं ना अपना वीडियो उस साइड करके मैं दिखाती हूँ और इसको बहुत ही शॉर्ट में समझाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी कल्पना है मेरी। अगर हम ना इस तरह का जाते हैं, मैं वीडियो को पीछे कर रही हूँ थोड़ी, वो देखिए, देखिए एक सिंपल कागज में बनाई हुई है मेरी कल्पना है। मेरे पास वक्त है थोड़ा सा। इसका नाम है, ऊपर लिखा है कोयतार संध्या धुर्वे और मेरा मोबाइल नंबर है। बड़ा देव की फोटो बना के मैंने ऐसा लिखा है। मेरी कल्पना में गोंडियन चैरिटी को कुछ इस तरह का मैं समझा रही हूँ कि कुछ सक्षम सगा रखते हैं हम। जरूरी नहीं कि हर कोई सक्षम है। अपने आप को, वो मानसिकता है सामने वाली की कि वो अपने आप को सक्षम मानता है या असक्षम मानता है। मेरे नजरिए से समाज को अपना वक्त देने वाला और थोड़ा सा अपना श्रम देने वाला व्यक्ति सक्षम है मेरा, और ये संख्या ज्यादा बढ़नी चाहिए। मैंने कल्पना करी कि मेरे समाज में जो लोग हैं उसके कुछ सक्षम सदस्यों को मैं लेती हूँ, यानी समाज के उस पायदान पर मैं खड़ा करती हूँ जिसका नाम मैं गोंडियन चैरिटी रखती हूँ। उनसे मैं 200 रुपये मंथ लेती हूँ या फिर 1200 रुपये सालाना लेती हूँ। उसका एक फंड रखती हूँ गोंडियन चैरिटी। चैरिटी मतलब एक डिब्बा, उसमें रखे हैं हमने। इससे हमारा क्या होगा, लोगों को क्या संदेश जा रहा है? हम समान सोच रखते हैं, सामाजिक सोच रखते हैं, एकता है हम लोगों में, सहयोग की भावना है हमारे में, हमारे कुछ भी सामूहिक दायित्व है और ये जागरूकता लास्ट। तो ये हमारे संदेश जाएंगे, जैसे जैसे हम लोगों से मिलेंगे और इस तरह के काम करेंगे तो हमारे अंदर हम सहयोग की भावना दिखेगी, एकता दिखेगी, सामाजिक सोच दिखेगी, सामूहिक दायित्व दिखेगा और जागरूकता बढ़ेगी। अब भैया पैसा आ गया है थोड़ा सा हमारे पास, कोई बात नहीं है चैरिटी में। अब इनका कैसे व्यय करना है? व्यय मतलब जो पैसा आया उसका खर्च भी तो होना चाहिए ना। तो हाँ, ये मैं 3 साल से कर रही हूँ। खर्च देखिए किस तरह का खर्च हो रहा है। पहला, हम प्रकृतिवादी अपने आप को मानते हैं, सबसे पहले जाता है वृक्षारोपण को जाता है ये इसका, तो जो मेरी गोंडियन चैरिटी है उसका 20% रुपया जाता है। ये हम वृक्षारोपण में पेठा थानाओं को और स्कूलों को, यानी छात्रावासों को, हमने जिन स्कूलों को हमने गोद लिया लिया रखा रहता है रहते हैं वहां पर हम इसको लगाते हैं। और लड़कियों को हम ये दायित्व देते हैं कि हम आपको तभी अपनी सुविधाएं मुहैया करवाएंगे जब हमारे पौधों का आप रक्षा करेंगी। तो आप पिछले साल पेठा ठाणा में हमारे 1000 पौधे हैं, इसके पहले मेरे 947 पौधे मेरे खुद के, जिसको मैं 100-100 हर साल लगाती हूँ, वो भी जीवित है। वृक्षारोपण है, शिक्षा है, तो मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को देनी है होती है। इसमें गरीब स्कूली बच्चों में हम लाइब्रेरी, उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षण समाज से रिलेटेड और उनके गेम्स से रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं, इंग्लिश को ग्रूम कैसे करना है और गुटज बैटज जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। शिक्षा की मूलभूत सुविधाओं में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ें नहीं देती है तो बुक्स और ड्रेस और मध्याह्न भोजन को छोड़ के हम उसके उनके स्कूलों में पर्दे लगवा दें, टाट पट्टी दे दें, हम उनका उनको क्या कहते हैं, पीने के पानी की टंकी दे दें, ग्लास दे दें, साबुन दे दें, तौलिया दे दें, झाड़ू दे दें, पोछा दे दें। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, मूलभूत सुविधाएं हमें दे सकते हैं। हमारा बच्चा अगर ऐसे में
हमारा अगर एसटी बच्चा इन छह वातावरण में रहेगा तो एक चैरिटी का और इन सक्षम सदस्यों का की चैरिटी से ये जो चीजें हुई हमने करेंगे दूसरा वाला ये बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा है स्वस्थ और सुरक्षित बचपन। ज्यादातर मैं देखती हूँ महिलाओं से रिलेटेड अपराध, बच्चों से रिलेटेड अपराध। चूंकि मैं कानून की अधिकारी हूँ इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। आजकल बच्चों के साथ बहुत सारे क्राइम होते हैं और जब हम पुलिस के पास जाते हैं या न्यायालय के सामने जाते हैं तो हमको जो न्याय मिलता है वो 25% भी नहीं मिलता है और इसमें बहुत ज्यादा दलाली चलती है। तो हमारा बचपन सुरक्षित रहे इसके लिए सबसे पहले हमारा करना है। एक हम पेरेंट्स हैं, हम 24 घंटे 48 घंटे अपने बच्चों को नहीं देख सकते हैं, कहीं ना कहीं हमको समाज में छोड़ना पड़ता है। तो सुरक्षित बच्चा बचपन के लिए मैंने बीच बीच में कानूनी संवैधानिक ज्ञान के लिए कैंप लगाती हूँ। गुड टच, बुरा टच, अच्छा टच के बारे में छोटे बच्चों को बहुत खेल खेल में सिखाती हूँ। सिखाना भी चाहिए, हमको अच्छे ज्ञान देना चाहिए क्योंकि आज हमारे जो समाज में क्राइम बहुत कम है। और मैं हमेशा उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो बचपन है स्वस्थ और सुरक्षित रहे और जो भी लोग हैं वो अपना, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं हमारे माता पिता का और हमारे समाज का जो लालन पालन हम लोगों को जिस दृष्टि से हुआ है तो आज भी क्राइम कम है। मैं बहुत बहुत चले 100% श्योर कहती हूँ कि हाँ हम अभी बच्चों को सुरक्षित स्वस्थ बचपन दे सकते हैं और इस समाज के निर्माण कर सकते हैं। इसमें महिलाएं भी आती हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको बता दूँ कि बहुत सारी महिलाएं जो बहुत आंतरिक चीज़ों से गुजरती रहती हैं, श्वेत ब्रदर से और बहुत सारी चीज़ें मोनोपॉज से गुजरती हैं, उन महिलाओं को बताने वाला कोई नहीं रहता है। तो स्तन कैंसर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और जैसे मेंसेस है, एनसी पीरियड के बारे में लड़कियों को नहीं बताते, तो खुल के हम लोगों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रखना है क्योंकि जो बच्ची आपके घर की बेटी है कल के दिन किसी के यहाँ बहू बनेगी, तो वो स्वस्थ आए और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे और आपके स्वस्थ समाज का निर्माण हो। ये मेरी बहुत अच्छी कल्पना रही है। जो चैरिटी का जो तीसरा जो चौथा जो है वो है जन मानव सेवा। ओ ये तो बहुत बड़ा है। अगर हर कोई जो समाज सेवा करता है तो मानव सेवा अगर उसको नहीं आता सामाजिक कल्याण करना तो ये मेरे को लगता नहीं है कि उसको संगठन और समिति बनाए रखना चाहिए। मेरी जो चैरिटी है, आपने मानव सेवा और सामाजिक कल्याण के बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। अभी लॉकडाउन में आपने मुझे बहुत सारी चीजें देखे होंगे। वो हमने इस बार चैरिटी ने 97,092 रुपए खर्च करी है अपना और अलग से बाकी भी हमने खर्च किया है मानव कल्याण में। इसमें हम किसी भी व्यक्ति को जो मेरी चैरिटी के मेंबर हैं, असहाय हैं, उनको जरूरत पड़ती है तो हम उसके लिए भी तत्काल दौड़ाते हैं। सामाजिक कल्याण में मैंने कला संस्कृति भाषा को भी संरक्षण के लिए दिया है और ज्वलंत जो भी मुद्दे हैं या जो भी कार्य हैं इसके लिए भी मैंने किया हुआ है। और इतने अच्छे बंदे जो मेरे साथ जुड़े हैं और इतने अच्छे जो काम कर रहे हैं उसको मैं निःशुल्क गोंडियन रिश्ते देती हूँ। मतलब मैं पहली एक ऐसी महिला हूँ समाज में जिसने अपने समाज में रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए एक गोंडियन रिश्ते का निर्माण किया 2015 में। और मैंने 5 राज्यों को लेके एक ग्रुप बनाया और 5 निःशुल्क ग्रुप बनाया, 7 ग्रुप थे और उसमें 500 से ज़्यादा शादियाँ हो गई। लेकिन अलग अलग राज्यों से संबंध हुए बहुत अच्छे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, अगर वो सुन रही होंगी या सुनेंगे तो, उन जोड़ों को मुझे नहीं भूलना था, मेरे समाज को नहीं भूलना था। वो गोंडियन चैरिटी के अभी कोई भाग नहीं है जिन्होंने जोड़ियाँ बनाई। और वो जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों से जोड़ियाँ चैरिटी बनी है, बनी थी, जोड़ियाँ बनी थी, उन्होंने उनकी भी सहभागिता कम हो गई है। तो अपने अंदर जो लालचपन है ना कि हम अपने यहाँ रिश्ते जोड़ लेते हैं उसके बाद हम फूट लेते हैं यहाँ से, तो ये वाली जो है वो भावना भी आपको समाज से अलग करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी समाज को अलग करने की। उम्मीद है आपको गोंडियन रिश्ते से बहुत समझ में आ गया होगा। ऐसा अगर किसी का कॉन्सेप्ट रहेगा और इतने अच्छे उसके उद्देश्य रहेंगे और इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे तो ये बताइए समाज का उद्धार क्यों नहीं होगा, होगा नहीं? तो ये आपका हो गया गोंडियन चैरिटी से रिलेटेड। अब मैं आती हूँ सामने की ओर। धन्यवाद मेरी गोंडियन चैरिटी को बहुत शॉर्ट में इतना अच्छा सुनने के लिए। तो गोंडियन चैरिटी बहुत मैंने एक छोटा सा उसमें बना के बताया है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाए कि अब अपने आप को इस समाज का हिस्सा मानते हैं तो आपको ऐसा फंड कुछ जाना चाहिए समाज को, 200 रुपये हो या कुछ भी हो, श्रम हो, अगर आपके श्रम से कुछ चीज़ें आती हैं और उससे पूरा कल्याण होता होगा। क्योंकि हम अपने समाज के ऐसे पिछड़े से वर्ग है जिनके पास जो आर्थिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो बेहद कम है। जब गांव-गांव आप जाएंगे, मैं गढ़चिरौली के उस एरिया को कभी नहीं भूल सकती, वहाँ उनके पास उतनी सारी चीज़ें नहीं थी, कोई भी सुविधाएं नहीं थी। मैं इस बार गई थी
और मुझे पता है और कोई बैगा क्षेत्र है या दूसरी चीजें हैं वहां पर भी इस तरह की बहुत ज्यादा। यार हम आज ये सब सोने के चांदी के सब चीजें पहन लेते हैं, आज ये बहुत सारी चीजें, तो दुख होता है कहीं ना कहीं, संरक्षण तो करना ही भी चीज है, लेकिन हम अपने हाशिए से उस वर्ग को अलग छोड़ दे रहे हैं यार। अभी भी समाज में तीन वर्ग बटे हुए हैं, बताऊं मैं आपको। मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ, मैं कुछ बोलूंगी मेरा कुछ नहीं जाता है, लेकिन मैं किसी के साथ आप सभी का भ्रम भी तोड़ देना चाहती हूँ। एक गरीब वर्ग है, एक मीडियम वर्ग है, और एक आज भी नौकरी करता एसी गाड़ी में फलता फूलता वर्ग है। और ये फलता फूलता जो वर्ग है वो 10% लोग हैं जो अच्छे पदों में हैं, जिनको आपके जिनका दामाद नौकरी वाला चाहिए, जिनकी बेटी नौकरी में चली गई हो, जो खुद एसी गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। रही बात बीच के मध्यम वाले जो बच्चे हैं होते हैं, अभी शिक्षा का मैं अगर आपको बताती हूँ ग्राफ, समाज में अब शिक्षा से शुरू करती हूँ क्योंकि मेरी जो पहले ज्वेलरी से कर दूँ क्या, ज्वेलरी से कर देती हूँ। देखो मैंने एक और ग्राफ बनाया है, उम्मीद है आपको और लगेगा दीदी ने कितना अच्छा ग्राफ बना के बताई है। तो मैं फिर पीछे की ओर ले जा रही हूँ इसको, आइए देखिए। हाँ लड़की उतनी खास तो नहीं बनी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने पहना हुआ है। हाँ ये जो है आभूषण, ये है जनजाति महिला का आभूषण है, इसमें मैंने लगाया है कलगी। जो कलगी होते हैं वो इसमें मुर्गे मुर्गे के पंख रहते हैं, जो हमको ये बताते हैं कि हमको सुबह अलर्ट होना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर काम पे लग जाना चाहिए, मतलब इसके बहुत सारे संकेत हैं। मयूर के रहते हैं, जो मयूर के पंख रहते हैं, तीतर के पंख रहते हैं, जो हमारी खूबसूरती को सीधे वन्य जीवन से जोड़ती है, कलगी है। और इसमें जो किलेदार नोके लिए जो लगे रहते हैं, ये बांस के और या फिर मेटल के रहते हैं, इसको खोपची चिमटी कहते हैं, जो कि जूड़े को गोल बनाए रखता है। इसमें एक चिमटी रहती है, चिमटी मेरी ओर देख लीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने चिमटी पहनी है, ये मेरी चिमटी है, ये बड़े बड़े रहते हैं, ये भी हमारे केश सज्जा को खूबसूरत बनाने में बहुत है। उसके बाद जो टिकली लगाते हैं, ये कांच की टिकली होती है, चमकीली कांच की टिकली, इसमें नथ होती है, कहाँ लगा नथ पहनते हैं, दोनों नाक के बीच में नथ पहनते हैं बहुत सारी जनजातियाँ, और अभी हम लोग वक्त के साथ नहीं पहनते इन चीज़ों को। इसके नीचे आती हूँ, आदिवासी फुल्ली लॉन्ग होती है, देखो इस तरह की होती है, पहले 5 स्टोन गए, उसके ऊपर 4 स्टोन, फिर 3 स्टोन, 2 स्टोन, 1 स्टोन, इस तरह के अंगूर के गुच्छे के साइज में, इसको बोलते हैं आदिवासी फुल्ली लॉन्ग। इसमें अगर गोल पहने हैं तो झुमकी वाली होती है। इसके बाद हम इस साइड जाते हैं, एक खोपची चिमटी मैंने बता दिया था, और इसका एक यूज़ और भी अच्छा होता है। मैंने एक धुमकड़िया करके ग्रुप है झारखंड का, उसमें देखा था, एक गदवा जनजाति है, वो इस चीज़ को यूज़ करती है कि जो है कभी कभी अगर हम किसी खतरे में हैं, ये इतने नुकेले होते हैं कि हम उनके पेट में घुसेड़ दें या कहीं उसके त्वचा में करके हम उसको मतलब खून से लहूलुहान करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ये खोपची चिमटी बहुत अच्छी है, जो हमको मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए बढ़िया है, है ना। अच्छा ये जो मैंने अभी मेरे फोटो में डीपी में देखिएगा, ये होती है मांगझरी, मांगझरी होती है, ये चांदी के ऐसे होते हैं, ये भी पहने जाते हैं, जो अभी आजकल नहीं पहनते लेकिन दुल्हन पहनती है। धागा गोंदड़ा, धागा गोंदड़ा ये पीछे जो है यहाँ पर गोल 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 धागे के रंगीन लगाते हैं, आज भी आपको बहुत सारी जनजातियों में या वैगा जनजातियों में धागा गोंदड़े जो जूड़े को बड़ा करके उसमें लपेट दिया जाता है। कर्णफूल है जो मैंने अभी पहनी हुई हूँ, इसमें कर्णफूल में नीचे झुकते हुए ये है झुमकी है, और उसे ऐसे जाता हुआ जूड़े तक एक है कर्णफूल हमारी है। इसमें एक हसली है, हसली देखिएगा, अभी मैं भी आपको दिखाऊंगी मैं जो पहनी हूँ हसली, और उसको सुतिया भी बोलते हैं अपन। गुदना, ये गुदना जो हमारी है, ये हमारी पारंपरिक चीजें हैं, मेरी त्वचा में भी मैंने गुदना बनाए रखा है। खंगवारी होती है, ये सांकल की तरह खंगवारी होती है, इसको लड़के लड़कियां दोनों पहनते हैं, है ना। इसमें हम आते हैं कांच मोती माला, जो मैं हमेशा बनाती हूँ या मेरे ट्राइबल गहने को मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ। कांच मोती माला आप लोग भी पहनिए, लड़का लड़की दोनों पहन सकते हैं, बेहद ही सुंदर, और हमारी जो पारंपरिक चीजों को हमेशा मतलब प्रकृति से जोड़ती है, बेहद ही चटक कलरों में है, सुंदर दिखती है। ब्लाउज की जगह पे हम अंगिया पहनते थे, अंगिया हमेशा आधा होता था या फिर बीच से इसके बटन होते थे, है ना, अंगिया ब्लाउज। एक कठला आप जानते हैं, सिक्के वाला हार, इसको सिक्का हार भी बोलते हैं कठला को, है ना, हैमल भी बोलते हैं। खंगवारी को मैंने बता दिया था, संकल की तरह होता है। इसमें हम आते हैं बाजूबंद, ये बाजूबंद हमेशा आड़ी मुड़ी होती है, दोनों साइडों में पहनी जाती है,
अब ये होता है हमारा पट्टा वाला जो चापड़ा टाइप का रहता है ना, चटाई टाइप की, इसको बोलते हैं करडोरा, करडोरा इसको बोलते हैं, कमरबंद भी बोलते हैं। और इसके 8 लड़ी हमेशा ज्यादा, मतलब आप इतने महंगे तो नहीं ले सकते हैं लोग, थोड़ी कम कम रहती है, लेकिन 8 लड़ी इसकी बेहतरीन अच्छी चौड़ाई रहती है। फुल्ली गजरा, फुल्ली गजरा मैं आप अभी पहनी हुई हूँ, आपको बताती हूँ, ये एबीएस इसकी तरह होते हैं, ये है ना, ये चारों तरफ इसी इसी से बना रहता है, पहले पहले 5 स्टोन, 4 स्टोन, 3 स्टोन, 2 स्टोन, चारों तरफ बढ़िया गुच्छे गुच्छे से फुल्ली गजरा आजू बाजू रहती है। छन्नी होती है, छन्नी भी बीच बीच में होल वाली होती है छन्नी, और इसमें जो हम बीच में पहनते हैं फुल्ली चूड़ी पहनते हैं, बगड़ी पहनते हैं, बगड़ी बोलते हैं इसको, बगड़ी हुई जो चूड़ियाँ होती हैं ना, बीच में अगर हम चाहते हैं तो चूड़ा भी पहनते हैं, और बताने होते हैं कांच और पत्थर के रंगीन चूड़ियाँ भी होती हैं। जो मैं हमेशा पहनती हूँ ये है नवारी, आप इसको नवारी की जगह, छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ी साड़ी है वो, आप अलग अलग पहन सकते हैं, नवारी 16 हाथ और लुगड़ा इसको बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ हैं। और जैसे हम ना चलंगी छिटवा इस तरह का भी लेके हम कभी डेमो अपना दे सकते हैं ट्रैवल होने का। तोड़ा, देखो इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं, सबसे ऊपर पहनी जाती है कड़ी, उसके बीच में पहनी जाती है लरो, उसके ऊपर पहनी जाती है तोड़ा या तोड़ल, और सबसे नीचे पहनी जाती है पैर पट्टी। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि हमारी जो सभ्यता हमने काफ़ी आधुनिक बनने के चक्कर में इन चीज़ों को भुला दिए हैं, अगर आप इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं और तो सोचिए इन चीज़ों का बिजनेस कितना अच्छा होगा, हमारे ही लोग कितने सजग होकर इन चीज़ों को लेंगे, और हमारा कलाकार है उसको काम मिलेगा, और आपकी सुंदरता अलग खिलेगी, है ना। मैं आप सब लोगों से अलग इसलिए दिखती हूँ क्योंकि मैं अपने कल्चर को इस ओर फॉलो करने की कोशिश करती, करवाने की कोशिश करती हूँ, लोग मुझे देखें और वाकई कुछ सीखना हो तो सीख लें। तो ये मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूंगी बहुत सारी चीज़ें, इसी में पुरुष के लिए भी मैंने लाई हूँ। ट्राइबल संस्कृति में गहना को मैंने थोड़ा प्रमोट किया है, भाषा भी है इसमें, संस्कृति भी है। अब ये पुरुष है, इसमें भी कलगी होती है, कलगी सेम ऐसी है जैसे महिलाएं पहनती हैं सेम, बस इनका ये होता है यहाँ से कि यहाँ से ना, यहाँ से एक हसिया टाइप का एक हसिया नुमा लोहे का बांधा जाता है, जो साफे के साथ ऐसा लगा दिया जाता है ताकि वो हिले डोले ना। ये होता है ठेटा या पगड़ी होती है, बीच में लड़के कौड़ी पट्टी बांधते हैं कौड़ी की, ठीक है। उसके बाद ये लड़के जो छोटे छोटे जो चूड़ा छोटी छोटी वाली पहनते हैं उसको मुस्खी बोलते हैं, लड़के लोग खंगवारी भी पहनते हैं, खंगवारी को बता दिया था मैंने, चैन नुमा होता है, ताबिज पहनते हैं लड़के, कठला पहनते हैं लड़के, बाजूबंद पहनते हैं लेकिन इसकी जो डिजाइन होती है कड़े नुमा होती है, है ना, आदिवासी बाजूबंद बोलते हैं। लड़के कुर्ता पहनते हैं या फिर झंगला पहनते हैं, झंगला का अंगरखा क्या बोलते हैं इसको, ये जो कुर्ते से थोड़ा सा छोटा होता है, टारवे कलरों में भी लड़के पहनते हैं, कमरबंद है लड़कों का बारीक सा, बाजू में इनका एक गमछा रहता है और बाजूबंद इनका इस तरह का रहता है, पैरों की तरह पटे हैं, धोती पहनते हैं लड़के या फिर धोती पहनते हैं, लंगोटी भी पहन, लंगोट इन द सेंस की लुंगी बांधते हैं जो घुटने के ऊपर से बांध देते हैं, लंबी धोती हमारे यहाँ नहीं है, अगर आप साउथ में भी जाएंगे वहाँ कैस्टियों को भी देखेंगे तो घुटने के ऊपर वो बड़ी लुंगी को मोड़ के बांध लेते हैं धोती, और नीचे आते हैं तो एक कड़ा और तोड़ा ये भी पहनते हैं लड़के लड़के, इसके साथ इनकी अंगूठी भी आती है मोटी सी। और इतना अच्छा मैंने बताने की कोशिश करी है, उम्मीद है आपको पसंद आए हो, क्योंकि इस तरह के रिसर्च अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, लोग कला संस्कृति भाषा ये तो सब बोलते हैं लेकिन हमारी जो पहचान है, आप एक भाषा बोलने के साथ अगर इन चीज़ों का इन चीज़ों को पहन लेंगे ना तो उस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं, और आपको मैंने पहले बता दिया है कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 दिसंबर 1984 है, तो ले दे के मैं 35 साल की हुई हूँ अभी, तो मैंने अभी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। मेरे आने के पहले मेरे दादा परदादा लोगों को ये सब चीज़ें पहले ही सेव करके रख लेने चाहिए थे, पर कोई बात नहीं, उतना खास ज़्यादा टाइम गुजरा नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे और शर्माएंगे बिल्कुल भी नहीं। आज के 5 साल पीछे ले जाइए आप समाज को, 5 साल पीछे ले जाइए तो लोग ना जयसेवा कहने के लिए और गोंड अपने आप को बताने के लिए शर्माती थी, इन लोगों को ठाकुर और सिंह और इस तरह के और कुमार इस तरह की चीज़ें लिखते थे लोग अपने आप को बताने के लिए, और आज भी लिखते हैं, आज भी है लोगों में बहुत सारी चीज़ें कि नहीं हम अपने आप को, तो मैं यही बोली ना सबसे ज़्यादा है शिक्षा, शिक्षा का स्तर अगर हम बढ़ा लेते हैं और अपने जीवन स्तर में थोड़ा सा हम सुधार लाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कोई भी बैठा
ना रहे, कुछ ना कुछ तो करे, दो से चार से पांच बिजनेस करे, कोई दिक्कत नहीं। उसमें ट्रिक्स क्यों नहीं आ रहे हैं? रीजन इसलिए भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपने शिक्षा तो की होगी। कई कई लोग हैं जो शिक्षा करते हैं लेकिन उसका सही यूज नहीं करते हैं। माना कि आपने बी कर लिया होगा, मैंने माना कि आपने MBBS कर लिया होगा, लेकिन आप दूसरों के बजाय कम क्यों चलते हैं? क्योंकि आप में वो ट्रिक्स है ही नहीं। आपको अलग से एक्स्ट्रा टाइम देना है, चार पैसे आने लगे तो आपको संतुष्ट नहीं रहना है, आपको आठ पैसे के बारे में सोचना है। तो ये जहाँ जहाँ जैसे जैसे आ जाएगी ना, ये मतलब आपको बता नहीं सकती, ज़्यादा दूर नहीं है हम अभी बहुत सामने हैं। आज मैं किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकूंगी। मैं हूँ संध्या ध्रुवे और सबसे पहले मेरे लिए देश है, देश के बाद समाज है, समाज के बाद जाति है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, उसको सब अपने अपने क्राइटेरिया में रखता है, पर मेरे लिए देश पहला है। क्योंकि मुझे बहुत सारे जब आदमी दुखी होता है और मेरे सामने आता है न्याय के लिए और मेरे सामने वो अपनी समस्या रखता है, तो मेरे लिए सिर्फ इंसान होता है। तब वहाँ मुझे हर चीज़, जाति, बिरादरी, बहुत सारी चीज़ें देख के वो भूल जानी पड़ती है थोड़ी देर के लिए। वो मेरे लिए एक पीड़ित इंसान होता है। एक इंसान के साथ, एक ह्यूमन बॉडी के साथ, उसकी संपत्ति के साथ क्या इस तरह के क्राइम क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे हमेशा सोचना है कि उसको न्याय कैसे मिले हर हाल में, ये मेरी रहती है। इसलिए मेरी थॉट थोड़ी सी अलग है। हाँ, समाज अभी बहुत खेमों में बटा है, तो मैंने तो वही बोला था, मैं आई थी अभी बीच में, तीन बताई थी ना, गरीब गरीबी है बेटा, उसको अभी जाके कोई नहीं देख रहा है। ये जो पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, उसमें से जो 10% में से जो 3% लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका ज़्यादातर व्यू है राजनीति, कि हम किसी भी हर हाल में राजनीति। मैं जानती हूँ कि हमको देश स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने प्रतिनिधि चाहिए, लेकिन कभी अपने पीछे भी तो देखिए। आप ये बताइए, अगर हमारी बॉडी का एक हिस्सा अपंग पड़ा हुआ है, अगर हाथ या उंगली सुन्न पड़ी है, तो हम सीधे सीधे सिर के बारे में क्यों सोचें कि वहाँ हम कोई ताज पहन लेंगे तो क्या हम अपंग नहीं कहलाएंगे क्या? हमको सबसे पहले डॉक्टर ढूंढना है, डॉक्टर के बाद दवाई ढूंढनी है कि हमको क्या कमी रह गई है, उसको पहले करना है। पहले गाँव में हम सब लोगों के बीच में जाना है। मैं ये नहीं बोल रही कि संध्या ध्रुवे अकेली कुछ ये कर लेगी, मैं ये कह रही हूँ अपने कस्बे में, जिले में, नगर में, गांव में जाके ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी नशा मुक्ति के बारे में भी मैं बात करूंगी, अभी ज़्यादा वैसे वक्त नहीं हुआ है। हाँ, मैं फुल्ली गजरा के बारे में बता रही थी। देखिए, वो जब भी बता रही थी ना, ये इस तरह के फुल्ली गजरा या इस तरह के होते हैं जिसमें फूल होते हैं और आजू बाजू हमारी हाथ को बहुत सुंदर ये आजू बाजू रहते हैं, सामने छन्नी रहती है, छन्नी भी इसी तरह की होती है जिसमें लगाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो गई हैं, वक्त के साथ हमको बहुत सारी चीज़ें करनी है। और मैं इन गहनों को प्रमोट कर रही हूँ, अगर आप लोगों को कभी इस तरह का मंच मिले या आप लोगों को लगे कि हमारे कलाकार को काम मिले या हम लोग खुद उन चीज़ों को खरीदें, तो कृपया ऐसे मंच देने की कोशिश करें। जनजाति मेला के बारे में बताती हूँ। जनजाति मेला मेरा एक ऐसा अनुभव, ऐसा ज़िंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, एक यादगार एक्सपीरियंस रहा है। एक ऐसी महिला जिसने चंद लोगों के सहयोग से एक ऐसा मेला ऑर्गेनाइज करती है जिसमें 3 से 4 राज्य के लोग रहते हैं, और मेरा सिर्फ मकसद था कि हमारी संस्कृति, कला, भाषा और हमारे ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना। उस मेले में बड़ी स्क्रीन लगाई गई, उस मेले में टिकट लिए गए ताकि हमारा डेकोरम, हमारा हर चीज़ बना रहे। जरूरी नहीं कि लोगों ने हमको इस कदर बना दिया है। लोगों की सोच ये है कि हम झूठे पत्थर खाने वाले, उठाने वालों में से हैं। नो, प्रकृति ने हमको इतना अच्छा दिया है कि सबसे पहला खाना या सबसे पहला निवाले में हमारा सबका हक है। तो मैं चाह रही हूँ सम्मान। हमारा सम्मान कब मिलेगा? जब हम उस चीज़ को समाज के बीच में दिखाएंगे। जब बालाघाट वालों को पता चला या बाहर के लोगों को जब गोंडिया ये जनजाति मेला के बारे में पता चला कि उनको पता चला कि एक गोंड लड़की है, आदिवासी लड़की है, उसका मायका है बालाघाट, उसने इस तरह के आयोजन कर रखी जिसमें हमारे समाज के कोई भी इन द सेंस सिर्फ मेरे अपने लोग हैं, जिसमें रमा दीदी हैं, जिसमें परते सर हैं, जिसमें जिसमें GSU के बंदे हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, या हमारे छोटे, इन लोगों ने उनको सपोर्ट किया। नेता चौपाटी कोई भी वहां पर नहीं था। रीजन क्या था? क्योंकि मैंने इसको, इस मेले को इस थीम पे बनाई थी कि मेरा जो समय है वो बच जाए और मैं किसी को फूल माला और भाषणबाजी में अपना वक्त न जाया नहीं करूंगी। और यकीन मानिए, अगर इस बार कोरोना नहीं होता तो मैं आप लोगों को फिर से कैंपेन में लाती और एक जनजाति मेला देखती, और 2 लाख की खरीदी 5 घंटे में होना, हमारे जो कलाकार हैं उनके घरों में इतनी सारी राशि जाना,
उसमें मेरा कुछ नहीं गया, मेरा 50,000 से ज्यादा नहीं गया, ज्यादा भी गया होगा तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे अपने आप पर प्राउड होता है कि चलो इतना सारा जो चैरिटी है वो अलग अलग थीमों पे इतने अच्छे मंच देती है। अगर हम ना फिर से बोलते हैं कि प्रशिक्षण के लिए मैं खुद उन कलाकारों से बात करूंगी, क्योंकि अभी ऑनलाइन हमारे पास बहुत सारी चीजें मिलती हैं और बहुत सारे कलाकारों से मेरा परिचय हुआ है, और वो जाति के हमारे नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जाति, लेकिन उसमें ये बनाने वाला कौन सी जाति का हो, सोनार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1910 के सिक्के हैं, इसको मैंने चुनवा के लाई, मैंने बोला कि भाई ये कौन सा लॉर्ड है, ये कौन सा जनरल है, उसका उसी का सिक्का चाहिए, 1910 का चाहिए, ऐसा वैसा जो मैंने बोला, तो वो लाके मुझे सोने ने दिया, सुनार ने मेरे लिए इतना अच्छा बना दिया। तो आपको ये मायने नहीं रखता कि आपका गहने या आपका काम को कौन से जाति वाला कर रहा है, बात ये है कि जो हमारा जो पैसा जा रहा है वो हमारे ही जाति के अंदर जाए और उसका यूटिलाइज हम ही करें और हमारा पैसा हमारे लोगों में जाए। तो ये हमारा हम अपना खुद का ही एक फलता फुलता बिजनेस बना सकते हैं, फलती फुलती दुनिया बना सकते हैं, और ये हो सकता है। रही बात अब गहने की, अब मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पे जाती हूँ। एक नॉर्मल बात ये भी करना चाहती हूँ कि आज मेरा एक ग्रुप है जिसमें ट्राइबल व्यवसाय करके है, और उसमें कलाकार भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं, तो उसे मैंने क्वेश्चन रखी थी, तो उन्होंने बोला कि मैडम, उन्होंने क्वेश्चन रखा कि आप इस मैटर पे जरूर बात करके देखिए। तो एक था कि मैंने बोला ना कि जो तीसरा वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, जैसे कोई नौकरी में है, टीचर है, पुलिस वाले हैं, जज हैं, सब हैं, तो इन लोग क्या करते हैं कि इनका ज़्यादा संपर्क उठना बैठना दूसरे दिगर जाति वालों से रहता है, और वो उन पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि जैसे कि कोई घर बनाना है, खेत लेना है, तो वो क्या करेंगे धीरे धीरे कि हम आपसे ले लेते हैं। उनको पता रहता है कि इतना पैसा तो इनके पास गौंडों के पास रहेगा नहीं, गौंड की संपत्ति गौंड लेंगे, ये सब जानते हुए भी उन्होंने क्या करते हैं कि औने पौने में वो आपसे अच्छा व्यवहार रखेंगे, दूसरे लोग अच्छे व्यवहार करेंगे, क्योंकि हमारी जो जेनेटिक्स है, अनुवांशिक जो चीज़ें हैं, हमारी जो सबसे अच्छा गुण है वो सीधा सादापन, तो हमारे सीधे सादेपन का एक फ़ायदा उठाएंगे, तो ये रिश्ते उनके जो ऐसे ऐसे डेवलप नहीं होंगे जो जनरल वाले या दूसरे वाले जो दिगर जाति वाले लोग हैं। जरूरी नहीं कि इसमें जो SC के हैं या जो ST के दिगर जाति वाले हैं, तो ये हमसे धीरे 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 क्या करेंगे, इमोशनल संबंध बनाएंगे, बहुत अच्छी बहन है आप मेरी, लो भाई राखी बांधो, लो भाई बढ़िया चीज़ें करो, चलो तुम मैं सब चीज़ें उठक बैठोगे कि 5-10 साल बढ़िया, उसके बाद बोलेंगे कि भैया हमको घर बनाना है, अरे क्या बात है, हम बना देंगे तुम्हारा घर, और जो 10 लाख में घर बनने वाला था वो 25 लाख में घर बनता है, और हमको क्या लगता है भाई ने हमारा घर बना दिया, साहू भैया ने हमारा घर बना दिया, तो ये भाई इसको इतना इमोशनल करते हैं, हमारे हमारे लोग कितने अच्छे वो जो सीमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो आप समझ लीजिए जो जो बिल्डिंग बनाते हैं, ये बिल्डर ये क्यों नहीं हो सकते यार, बिल्डिंग बनाने वाले क्यों नहीं हो सकते हमारे, जबकि हम हमेशा मजदूरी करेंगे थोड़ी है यार, हमारे हमारा का एक सर्कल बनाइए ना, हमारा बहुत अच्छा परिवार बनाइए आप, गोडेल चैरिटी जैसे चीज़ों से जुड़ी है, कैसे लोगों से संबंध आपके अच्छे नहीं बनेंगे बताइए आप, हाँ ऐसी तरह की चीज़ें होंगी तो क्या होगा, जब आप अपने लोगों के बीच में अपने लोगों से काम करवाएंगे तो जो 10 का काम करवाना था वो 9 में होगा, आपकी संपत्ति आपके लोगों के बीच में ही रहेगी, और आपके जो इमोशनल जो खिलवाड़ हो रहा है संबंधों का वो दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे, और हमारे लोगों ने अगर 5 पैसा अपने लोगों से कमा भी लिया तो भूल जाओ, क्योंकि वो हमारे लोग हैं और उन्हीं की जेब में चला गया तो इतनी बड़ी कोई वो चीज़ें नहीं, इतने बड़े बड़े कर्मकांड हमारे लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 10 बार सोचते हैं कि मुझे इन्हीं के बीच में रहना है, इसलिए तो अब मैं थोड़ा सा लिंग भेद के बारे में बताती हूँ। आप लोगों को लगता है कि हम मातृशक्ति बोल देंगे तो माताओं की सच में बहुत बड़ी चीज़ होगी, लेकिन कमरे से बाहर जरा माताओं को निकालिएगा तो जो पढ़ी लिखी माताएं हैं वो थोड़ा कमरे से बाहर और मोबाइल से बाहर निकलेंगी, तभी तो वो मातृशक्तियाँ होंगी कि सभी को मतलब 2 बच्चे जन्म दिए और परवरिश कर दिया और ये सब चीज़ हो गई तो हो गई मातृशक्ति, नहीं, शक्ति बनने के लिए हमको अपने आप को भी थोड़ा दिखाना है। महिलाओं को खुद भी मैं बार बार बोलती हूँ कि आइए समाज को दिखाइए कि आप क्या कर सकती हैं, कि इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, और उसका मेन होता है कि वो पुरुषों पर बेहद निर्भर रहती हैं, और पुरुषों को ये चाहिए कि वो भी महिलाओं को सामने लाएं और उनकी भी खुद सोच देखें कि वो किस तरह की सोच रखती हैं और वो उन क्या करने की इच्छुक हैं, और ये जब वो इतिहास पढ़ने की इच्छुक हैं, हमारी ऐतिहासिक चीज़ें देख सकती हैं क्या, पिकनिक जाना है तो सीधे आप कोई नदी तालाब ना जाके, मुर्गा पानी ना खा के तालाब के किनारे आप कोई ऐतिहासिक चीज़ों पर जाएँ, लांजीगढ़ जाएँ, बहुत ज़्यादा मंडला जाएँ या जबलपुर जाएँ, और वहाँ के उन जो ऐतिहासिक हमारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में देखें, वहाँ से 2-4 पुस्तकें लाएं, कचारगढ़ जाएं, वहाँ पढ़ के आएं,
वहाँ के लोगों की सब चीज़। तो ये जहाँ जहाँ आप अपने सहभागी बनेंगे, अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को भी लेके जाएं, और ये चीज़ उसमें भी डेवलप करके जाएं, क्योंकि देखो ऑल टाइम वो खाना नहीं बना सकती, हमेशा वो बच्चे को बड़ा नहीं कर सकती, और हर महिलाएं करती हैं, पर उसके अंदर ना थोड़ी सी सामाजिक जज्बा लाएं, क्योंकि आप तो अपने ऑफिस चले जाते हैं या खेत चले जाते हैं, लेकिन जो माँ होती है वो प्रथम शिक्षक शिक्षिका होती है बच्चे के लिए। अभी बच्चे को ना जैसे जो जनजाति मेला रखे थे उसने छोटे बच्चों को पूछते थे कि आप कौन से भगवान को पूछते हैं, तो कृष्ण भगवान, तो इस तरह के लोगों को बोल रहे थे, उनके माँ का भी दोष है कहीं ना कहीं। हाँ, हम वो छोटे बच्चे में, वो तो बच्चा तो सच में प्रकृति का रूप होता है, लेकिन हम अपने बच्चों में ये चीज़ें सिखाएंगे ना कि नमस्ते की जगह सेवा जोहार करो, सेवा करो, पीला वस्त्र धारण करो, एक गमछा रखो, ये क्यों रखते हैं, वो क्यों रखते हैं। मेरी छोटी बेटी पूछती है कि मम्मा उसने मुझे ये ला के दी है, देखिए, बोलती कि मम्मा वो पीछे आप ना एक रख लो, नहीं तो अंकल लो क्या बोलेंगे। तो ये लड़की बच्ची, ये सब जो बच्चे होते हैं ये ना माँ के जैसे चलते हैं, उनको पता रहता है कि हमारी माँ जैसे सोच रखती है हम भी वैसे ही चलेंगे। तो समाज के निर्माण में माँ लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, माँ के अंदर सबसे पहले सामाजिक चीज़ें ठूसें, और उनको ये भी सिखाएं कि मनुवादी मानने से अच्छा है कि अपने प्रकृति चीज़ों से जरूर माने, और व्रत और ये और इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, और 10 हाथ के मांग भरने और ये करने हैं, 16 श्रृंगार में अपना पैसे ना वेस्ट करके कोई भी अच्छी चीज़ें डाले, वो फालतू चीज़ों पैसा वेस्ट ना करके, ऐसा करके आप सोना चांदी बनवाइए, अपने पास रखिए, वक्त बे वक्त काम आएगा आपके, अपने चीज़ें गहने धारण करिए, ये भी वक्त बे वक्त काम आएंगे, और समाज में भी आप पहन के जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और मैं जो बीच वाला जो वर्ग है वो मैं बता रही थी, शिक्षा बीच वाला जो वर्ग है वो है थोड़ा स्टूडेंट, जिसने 12वीं पास किया हो, जिसने कॉलेज किया हो, जिसे, लेकिन उस वो भी कहीं ना सीधे सीधे चला जाता है राजनीति व्यू में चला जा रहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अच्छा ये बताओ, जो तीन वर्ग बताया, एक बीच वाला वर्ग बताया, एक गरीब वर्ग को छोड़ दीजिए, गांव वाले लोग जो अशिक्षित हैं, जिनको भीड़ इकट्ठा करने के लिए नेता लोग इकट्ठा करते हैं, या जैसे वो बोलने के लिए सब चीज़ें करने के लिए इकट्ठा करते हैं, और सबसे ज़्यादा परंपराओं को उन्होंने सहज के रखा है, ऐसा वर्ग मान लेते हैं। और जो ऊपर वाला वर्ग है 10% बोला था, उनको अपनी गाड़ी बंगले से फुर्सत नहीं है, ये भी मैंने बोला था, या जो रखते हैं उनमें से बहुत सारे उनके अंदर झाँक के देखिएगा तो कहीं ना कहीं उनमें एक स्वार्थपन है कि हाँ हम इस तरह की चीज़ें करेंगे, या थोड़ा नेताओं के साथ दिख जाएंगे तो ये करेंगे। नेताओं से खुन्नस नहीं है, नेताओं से खुन्नस इस बात की है कि आपको जब पद दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें जब आपको मिली, तो आपने हमारी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। यहाँ आप जब हमारे तरफ देखेंगे नहीं, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने आपको इतना अच्छे से चुना। एक तो हमारे लोग ऐसे हैं कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो रातों रात शराब पी के दिख जाते हैं, चुनाव में भी अपने मताधिकार का ढंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें भी उनको लोकतंत्र की अवसर नहीं पता कि हम क्या अपने सब चीज़ें करते हैं। तो हाँ, तो फिर मैं अदराम आंटी के क्वेश्चन पढ़ने में लग गई थी, मैं आंसर दूंगी आंटी आपका। तो मैं बोल रही थी कि कहाँ पहुंची थी, हाँ, जो राजनीति वाले हैं, तो आप लोगों ने लोगों को कहीं ना कहीं निराश किया है। आप हमारे प्रतिनिधि तो बन के गए, लेकिन हमारी समस्याओं पर आपका कभी ध्यान ही नहीं गया। यही कारण है कि आज निराशा है बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो हम आपको भूल रहे हैं, कम से कम आपको चुनाव के समय याद करेंगे। हम एक हैं, हम मानते हैं, लेकिन आपको साल भर दिखना पड़ेगा, और आपको चुनाव में हम अपने आप आपको आपके आपको दिखेंगे। तो आप नेता भी ऐसा बनाइए जो आपके आपके पक्ष में, आपके हक में बात करता हो, बाकी डजंट मैटर कौन सी सीट में कौन सा कौन खड़ा है, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ। आप व्यक्ति बहुत अच्छा चुने, और जब जब शराब की खरीद परोस होती है, तब वहां पर जो तीसरा पक्ष हो, जो तीसरा जो दीती वाला है, जिन्होंने 12वीं पढ़ा है, कॉलेज पढ़ा है, स्टूडेंट है, या जिनको अभी बेरोजगार है, बहुत सारी चीजें हैं, जिनको राजनीति भी समझ में नहीं आ रही है, समाज सेवा भी कैसे करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है, छोटे मोटे खेत हैं, छोटा मोटा व्यापार है, प्राइवेट बिजनेस कर रहा है, ये जो बीच में जिल्लत की जिंदगी जी रहा है, उतने ढंग की नहीं, उसके सपने बहुत हैं लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही हैं, तो उसको कौन से समय में याद आना चाहिए, जब राजनीति वाला जब राजनीति में आता है, जब 5 साल के लिए वो लड़ता है, खड़ा होता है, तब लोगों को उसको जागरूक करना चाहिए कि देखो भैया कि ऐसा है कि वैसा है, कि शराब पी के मत बिको, 5 साल हमको मिलते हैं तुमको इनको चुनने के लिए। तो उस समय ऐसे लोग जागरूक करें, और ऐसे लोग अगर कोई सदस्य वो बनाते हैं, कोई संगठन और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो आप लोग भी अपने एक अच्छे थीम बना के करें, और अपने जो नीचे जो गरीब तबका है उसको और जरूर ध्यान देंगे। अभी मैंने तो जनजाति मेले के बारे में बताया, लेकिन आपको ये बता दूं कि
पता नहीं कोई महिला गई थी कि नहीं इस तरह की। इस साल 2019 में लास्ट में मैं कचारगढ़ गई थी यात्रा, और गोंडियन चैरिटी की ओर से ले गई थी, और गोंडियन चैरिटी की तरफ से मैंने पेन गाटो नाम दिया था उसको, एक भंडारा होता है हमारा, हम प्रसादी के रूप में ले गए थे कि चलो हम कम से कम 5 क्विंटल हमारी शक्ति जितनी होगी हम लोगों को, हम जितने भी यात्रा के हैं लोग उनको खिलाएंगे, इस तरह की चीज़ें हम ले गए। लेकिन वहाँ क्या हुआ, हमारे ही लोग हमको ही टारगेट बनाने लगे, उनको सामने ये नहीं लगा। उसमें क्या हुआ कि कॉपरेट नहीं कर रहा है कोई किसी से। अगर मैं आपकी, चलो आप मुझे फेसबुक फ्रेंड है मेरे, आप मुझे जानते हैं, लेकिन उसके पहले सामने वाला ये भी तो देख लीजिए कि वो मात्र शक्ति है, हमको कितनी बड़ी आवाज़ में उसको बात करना है और कितने बड़े उसको क्या करना है, मतलब क्या बात करना है। वहाँ जब हमने खाना बना लिया, दादा आपको बता रही हूँ, हम पहले दर्शन करके आए, पेनों के दर्शन करके आए नहा धो के, उसके बाद हमारा खाना बना, और उसके बाद कुछ लोग आए जो राजनीति लेवल के लोग थे, उन्होंने मुझे उंगली दिखा दिखा के ये बोला कि आप गोंडियन चैरिटी के पैसे ले रही हैं, आपको 420 में गिरफ्तार करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। शर्मा आनी चाहिए साले भगोड़ों, तुम मुझे 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 ये करोगे, धर्म की स्वतंत्रता नहीं पड़ी है क्या रे, हाँ संवैधानिक अधिकार नहीं अपने धर्म की स्वतंत्रता में, वो तो क्या महाराष्ट्र था, और अगर IMP में आते ना तो मैं तुमको रात, मैं जो जो मुझे वार्निंग दिया था ना वो सीधे जेल में दिखते, क्योंकि जो सामने करने आया है उसका सपोर्ट करो ना यार, तुम धमकी दोगे क्या, नेताओं के बात तलवे नहीं चाटेंगे अपन। हाँ तो वहाँ जो जो भी अगर मुझे सुन रहा होगा या बात उन तक जाए, मैं चाहती हूँ इस बात उन तक जाए, और मैं अगले साल फिर आ रही हूँ, मैं इस बार बड़ा बड़े स्तर पर खाना खिलाने वाली हूँ। और धन्यवाद वो जो गोटुल संस्था थी, गोंडवाना गोटुल संस्था, और उनका नाम था दिलीप मर्स कॉलेजी, और उनकी पूरी टीम युवाओं की बहुत अच्छी थी, जिन्होंने मेरा खाना अपने अपने कैंप में ट्रांसफ़र करके हमने सारा खाना खिलाया। लेकिन हमारे ही लोगों ने इतनी गंदी गंदे मतलब वो रखते हैं कि हम आगे बढ़े, मतलब औकात तो ढंग की नहीं है। आपको सोचते हैं उन लोग एक जगह बैठ के कि और भी संस्थाएं आ गई हैं, हमारा पोजीशन चला जाएगा, मतलब लूजर टाइप सोचते हैं। अब मैं जाके उनको बताई कि ऐसा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, कल से मेला शुरू हो रहा है, आप तो आप अपना करो। उनको पता चल गया यार कोई ये लेडीज है, आप ये बताओ कि मैंने किसी को ज्ञान दे दिया या मेरी बुद्धि चल रही है तो क्या मैं चतुर हो गई क्या? चतुरता में और सलाहकार में अंतर है। आप किसी का मार्गदर्शन ले रहे हैं, मतलब चतुर वो होता है जो अपना काम निकालता है, निकालने के लिए आप लोगों को बरगलाता है। तो ये चीजें होते हैं यार, सुधरना पड़ेगा। कचारगढ़ हम सबका है, कोई एक का नहीं है, और थोड़ा सा दूर है यहाँ से, नहीं तो मैं उसकी अभी बारिश के पहले बारिश की उसकी सारी फोटो मैं बड़े अखबारों में छपवाती, सारे पेनों के अंदर से सारी फोटो बढ़िया अच्छे से ले जाती, मैं उसका मैं लोगों को दिखाती कि वहाँ एक इतनी अद्भुत चीजें हैं जो 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 प्रकृति ने हमको दी है, ये हमारी हमारी विरासत है यार, इतनी सारी चीजें हमारे हैं वहाँ, काली कंकाली दाई है, सब चीज़ है, मतलब हर सीजन में उसकी फोटो आनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वहाँ आगे तक जाने तक आप उनका दान करके वो सीमेंट के चेयर लगवाओ, पीने के पानी लगवाओ ना, बहुत सारी चीजें लगाओ। ये बताइए कि कौन नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं आज भर के रखोगे, कल के दिन ले जाओगे। आज कोरोना के कारण तुम्हारे ऐसी चीजें देखने को मिली, और इसे वो आने वाली है लाइफ सड़ी हुई। तो समाज को आपने दो पैसा नहीं दिया है बहुत सारी चीजें। अगर आपको लगता है कोई संस्थाओं के थ्रू हमको नहीं करना है, तो खुद आके वहां अपना नाम लिखवा के उसको अमर करिए, जाइए वहां पर बहुत सारी चीजें रख के जाइए और लोगों की मदद करिए। बहुत सारी जो मेरे को मैसेंजर में लोग बोलते हैं कि दीदी हम आपको आदर्श मानते हैं, आपके दिए गए मार्गदर्शन उसमें चलते हैं, इसमें चलते हैं, चलने से कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ हो के देखो ना पहले। आप तो मेरे साथ नहीं हो, मेरे नेट के साथ हो, कि मेरा नेट में जियो पे जब तक रहेगा तब तक आप मेरे साथ रहोगे। अगर आप वाकई मेरे व्यवहार और काम के साथ हो तो आप मेरे साथ चल के आओगे, और आज ही आप मुझे बोलोगे कि दीदी आप अकेले नहीं हो, समाज के साथ हम हैं, और हम निस्वार्थी चीज़ों को करेंगे। हमारे कलाकार आज क्यों गए हैं गर्त में, क्यों लकड़ी के, कांच के, सीप के, और ये क्यों कलाओं को संरक्षण नहीं मिला है? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, हमको तो अपने अपने मतलब दूसरे जो चीज़ें हैं लोगों की भीड़भाड़ में ही थे ना, फैशन और जीन्स और ये सब चीज़ें पहननी है ना। तो हमारे कलाकारों के, आप घर में दुनिया भर की पेंटिंग रख लो, कृष्ण भगवान, गणेश भगवान, सबके रख लो, चलो पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, सब में रख लो। लोगों ने इतना घर को, मतलब इतना ज़्यादा वास्तुकला और इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि ट्राइबल के कभी ध्यान ही नहीं गया आप लोगों का। आज बहुत सारे जो कलाकार हैं इतने उमदा लेवल के हैं, अगर मैं उनको मंच देती हूँ, मेरे आए, हम एक ऐसा कोया बाजार लगाते हैं, उस संरक्षण देते हैं, आप उनसे सामान खरीदते हो, डायरेक्ट वो पैसा उनके पास जाता है, इसमें फायदा किसका? कोई का नहीं, समाज का फायदा होगा।
और वो जो बेचारे जो अभी हैं, जिनको अभी जो अभी गाने बजाने वाले डांस वाले बहुत सारे, उनका पेट पलेगा। तो हम कम से कम अपना स्वाभिमान तो स्वाभिमान लेके चले ना, इसी में हमारी ईमानदारी कि हम दूसरों के सामने, अभी आपको बता दें झाबुआ बेल्ट और ऐसे जो इधर मालवान चल के हैं, यहाँ पर लोग जमींदार अभी मरी नहीं, जमींदारी वहाँ के लोग क्या करते हैं कि इतना ज्यादा मतलब जैसे किसी को 5,000 के लिए जरूरत पड़ी है एसटी को, ट्रैवल को, वो इसने किसी से ले लिया है तो उसका इतना ब्याज खोरी करेगा कि 5,000 को 10,000, 10,000 को 15,000, और ऐसा करते करते वो मर भी जाएगा ना तो उसका ब्याज खत्म नहीं होता। इतनी ऐसा सिस्टम है बाहर ना, बहुत ज्यादा सिस्टम ऐसा बेकार है। अभी गरीबों की हालत इतनी बेकार है, जो योजनाएं हैं, जो प्लान है, जो बहुत सारी चीजें हैं सरकार की, हमारे नाम पर बड़े बड़े एनजीओ फायदे ले रहे हैं या सब चीजें जो कर रहे हैं। तो कुछ युवा जो आ रहे हैं ना, मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे या हम कुछ करेंगे, तो अगर वो ट्राइबल है और आपकी योजनाओं पर काम करने वाला है तो बेशक आप उनका साथ दीजिए। आपको पूछिए उनसे कि कैसे लोन लेना है, कैसा क्या करना है। मैं तो बोल रही ना, छोटे व्यापार कितने अच्छे से बात किया उस दिन मैंने कि सामने आइए आप, लाइव उस पर भी आई वीडियो पर भी कि चलो इस पर बात करते हैं बैठ के। तो ये है ना कि अपना नंबर दे देते हैं कि व्हाट्सएप में आके बात करो। अब मेरे पास इतना वक्त रहता नहीं, मेरी रोज की रिमांड ड्यूटी लगी रहती है, रोज जमानत बेल और बहुत सारी चीजें रहती है जिसपे ऑनलाइन मुझे रहना पड़ता है या बहुत सारी चीजें। उसके बाद मैं महिला होके भी इतना ज्यादा समय दे देती हूँ कि, और ये 5-8 साल का वर्क एक्सपीरियंस है मतलब समाज को देने का। 2015 से ही मैंने इस तरह की चीजें मतलब गोंडियन चैरिटी, गोंडियन रिश्ते को देते 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 अब तो ऐसी हो गई कि सामने परिवार सो रहा है और मैं रात को अपना काम करते रहती हूँ। तो मैं पंचवल भी हूँ, और जब हम ना खुद सजग नहीं होंगे और खुद करके नहीं दिखाएंगे तो हमको देखने वाला कोई नहीं रहेगा। आज मैं इतने डंगे के साथ क्यों बात कर रही हूँ पता है? वो इसलिए क्योंकि मैं कर दिखा रही हूँ बहुत सारी चीजें। अच्छा, मानवता के लिए क्या किया मैंने एक गोंडियन रिश्ते, लोगों ने बोला कि शादी करवा रही है मैडम, शादी करवा रही है। अरे तुम्हारे जैसे मैरिज ब्यूरो खोल के नहीं देखा? मैंने बहुत सारे लोगों को समझाया समाज के लोगों को कि सोशल मीडिया में ये चीजें मत दिखाओ, सोशल मीडिया में पेरेंट्स ये मत दिखाएं कि हमारी इस उम्र की बेटी है, ऐसी है, गोरी है, नारी है, ये हमारा मोबाइल नंबर क्यों दिखाते हो आप अपने लोगों को? आपको क्या लगता है मेरे फेसबुक में मेरा खुद की जासूसी करने वाले बहुत सारे लोग एसटी बन के फिर रहे हैं, गुड्डू गुड्डी दुनिया भर के सांडिल्ले क्या क्या नाम के लोग हैं, लोग जासूसी करवाते हैं एक दूसरे का। और अच्छे अच्छे लोग हैं, जब पता चला कि यार इस तरह के आईडी बना के अच्छे अच्छे संभ्रांत लोग जो मेरे खुद के मित्र हुआ करते थे या मैंने जिनके साथ अपना मंच साझा करी थी, उन लोग मेरी जासूसी करवा के इस तरह की चीजें करवाते हैं, तो अपने वर वधु के, अपने बेटे बेटियों के डाटा क्यों दे रहे हो आप समाज में? आपको दूसरे समाज के दिख रहे हैं क्या? वहाँ दूसरे जो समाज के हैं उन लोगों के डाटा दिख रहे हैं क्या आपको? और मैं बताऊं कि सोशल मीडिया में आप इस तरह के करके ऐसे कब से आप मतलब दामाद और बहू और बेटे इस तरह की शादी करने लगे और ढूंढने लगे, बताओ? मैं बता रही हूँ इसका जो, अगर आप क्रिमिनोलॉजी को पढ़ेंगे और क्राइम को पढ़ेंगे तो आदमी का दिमाग क्या काम करता है, जस्ट एक क्लिक करा, आपके बच्चे की फोटो को सेव किया, लड़की का सिर लगाया, नीचे नंग धड़ंग विदेशी महिला की नग्न फोटो लगाया, उसने किसी को क्लिक करके किसी को भेज दिया, और इसका पूरा बाजार है, पोर्न साइट जो है उसका पूरा बाजार चल रहा है और बहुत ऊंचे लेवल पे चल रहा है। आप लोग तो जानते भी नहीं होंगे, मैं बोली ना बहुत सीधे साधे हैं आप लोग, आप लोगों को समझाना पड़ेगा इस तरह की चीजें मत दीजिए अपने बच्चों के, मत दीजिए वो चीजें। आज गोंडियन चैरिटी क्यों इस तरह की चीजें हैं? क्योंकि मैंने सिक्योरिटी दिया है उन बच्चों को, सारे बच्चे जिनके डाटा जाते हैं उनसे मेरा संबंध है, उनको लगता है कि ये मेरी दीदी है और मैं उनको बच्चे समझती हूँ, और उनका संरक्षण है मेरे पास कि उनको पता है कि सब चीज हो जाएगा। इतनी कई शादियां होती है, मैंने कितने वीडियो भेज दिया, हजारों शादियां हो गई यार, उसमें क्या हुआ जो वर वधु बने और उनके जो ससुराल बायका वाला है उन लोगों ने कई बार मुझे गिफ्ट दिया, बस्तर से गिफ्ट आए, इससे गिफ्ट आए, दीदी ये लो वो लो, तुर्रा लो, ये सब चीज लो, ये क्यों आए लोग? मेरी कर्म, मेरे कर्म के कारण ही ये चीजें आई है। तो हम जितनी सिक्योरिटी के साथ ये चीजें हैं दिखाने की चीज नहीं है, हमको एक मुंडेर पे बैठ के जो हमारे दादा परदादा लोगों ने बोला कि इस लड़की की शादी लड़के के साथ कर देते हैं, खेती बाड़ी में अच्छी है, ये वो है, वो चीजें लानी है ना, वो शुद्धता लानी है हमको गोंडियन चैरिटी या गोंडियन रिश्ते के साथ बैठ के आपस में आप अपने समधियों को देखें कि समाज के प्रति उनका क्या योगदान है, आप खुद उसमें योगदान दे के ये सोचे कि हमारे जो समधी बनने वाले हैं, हमारी बेटी जहाँ जाएगी वो क्या रखती है, मतलब आपको वहां दामाद भी मिलेगा तो सामाजिक ही व्यू वाला मिलेगा, और जो वो मिलेगा सामाजिक ही व्यू वाले मिलेगी। तो आप नहीं चाहते हो कि आपका समाज कुछ इस तरह का जाए जो हमारे एक दूसरे की एक जैसे मिजान, एक जैसे मेजॉरिटी के हो?
ये देखो ये सोच सोच की बात है, ऐसी चीजों में मेरे को किसी ने भी अपना वो नहीं दिखाया। मैं हमेशा सोचती हूँ कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे आए जो मुझे सर मुझे बोले कि दीदी आइए हम आपके साथ हैं, दीदी ये सीख लो, दीदी वो सीख लो। पर बहुत सारी चीजें देखना भाई, ऐसा है कि जब तक प्राण रहेंगे ना, मुझे कुछ भी कर लो आप, मैं कभी कभी भावुक भी हो जाती हूँ। मैं अगर कोई गलत काम कर रही हूँ ना, तो मुझे आप समाज से बाहर निकाल देना, कोई नहीं। लेकिन मेरा जो समाज है और मेरी जो विचारधारा है ना, उस पर प्रश्न चिन्ह मत करना। हाथ अगर करे या कोई उंगली दिखाया तो वो मेरी नजरों से गिरता है। और जनजाति मेला या बहुत सारी चीजें हैं, या पेन गाटो जो हमने वहाँ व्यवस्था रखी थी, और बहुत सारी चीजें हैं, गोडियन चैरिटी इतने सारी चीजें कर रही है उसके बाद, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे लोग मुझे हाशिए में रखे हैं। आप अच्छे से मेरे फेसबुक फ्रेंड को लिस्ट को देखिए, उसमें कौन व्यक्ति आपको दिखता है कि जो बहुत अच्छे अच्छे पदों में रहने के बाद भी वो मेरा सपोर्टर है। एक गांव का लड़का है, एक किसान है, ये सब मेरे दोस्त हैं वहाँ, जिनको मैं 5,000 होने के बाद 3,000 हटाती हूँ, क्योंकि मुझे इन्हीं के साथ रहना है। मेरे को पता है कि यही मेरी लाइफ है और यही मेरा काम है, क्योंकि इसमें अगर मैं ज़्यादा ज़्यादा देर करती हूँ और मैं कुछ और लेके जाती हूँ और गाये बगाये करती हूँ ना, तो मेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला और मेरे समाज को वो भी चीज़ें नहीं मिलेगी जो कोई दे भी नहीं रहा है, पहले से ही नहीं दे रहा है। सही बताऊँ, मानव कल्याण के लिए तक कोई काम नहीं कर रहा है। देखो मेरी जो गोंडियन चैरिटी है उसका मोनो आपने देखा होगा, अभी मेरे पास है नहीं, एक पीला वाला गोल है, उसमें स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण लिखा हुआ है और उस पर हम काम करते हैं। जो स्वास्थ्य है ना, उसमें मैंने पहले ही बोला था कि महिलाओं को और पुरुषों से रिलेटेड जो यौन रोग है, जिनको हम बोलने से संकोच करते हैं, और जो महिलाओं में एनीमिया है, खून की कमी है, और बहुत सारी जो बढ़ते उम्र के साथ उनमें जागरूकता होनी चाहिए, जो टीनेज की लड़की है उसके अंग जो बढ़ रहे हैं उसको लेके, और मेंसेस को लेके, मासिक धर्म को लेके बहुत सारी चीज़ें संकोच रहती है जिसको लड़कियां नहीं बताती हैं। और मैं इन चीज़ों का मतलब इस पर हमको अपने संबंधित जो हैं, अगर आप ओहदेदार हैं या आपकी पहचान के कोई अच्छे गायनोलॉजिस्ट हैं या कोई डॉक्टर हैं, तो प्लीज़ ऐसे छोटे छोटे कैंपेन उन छात्रावासों में करिए, उन गाँवों में जाके करिए। फोलिक एसिड और आयरन और कैल्शियम से रिलेटेड छोटी छोटी ज़्यादा चीज़ें, 5,000 में आप पूरे गांव को, दो गांव तीन गांव के, मतलब इतनी सस्ती दवाइयां हैं बहुत सारी, डॉक्टर के परामर्श से इस तरह की चीज़ें कैंपेन जरूर कर सकते हैं। और लड़कियों को से रिलेटेड जब मैं छोटे छोटे चिट देती हूँ लड़कियों को, और उनको बोलती हूँ कि बेटा इसमें अपनी वो बात लिखो, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, और तुम लिखो और मोड़ देना, अपना नाम मत बताना। और आपको यकीन नहीं होगा, मेरे ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, छोटी बच्चियां भी इतनी ज़्यादा शिकार हो जाती हैं कि हमारे जो अंकल हैं वो हमको गंदी नज़र से देखते हैं, या उस अंकल ने यहाँ टच किया, वहाँ टच किया। अब वो जो महिलाएं होती हैं जिन्होंने छोटी उम्र में ये सब चीज़ें भुगत रखी हैं, या जो अंदर की जो चीज़ होती है ना आत्मा, वो सोचने, अगर वो जाति वाला कोई लड़का है, जैसे मामा का लड़का जिनके साथ हमारे जो हास परिहास के संबंध है, जीजा है, ये है, अगर उसने अगर इस तरह के हमारे बच्चे के साथ किया है, तो वो लड़की कभी जिंदगी भर नहीं भूलती वो चीज़ें, और उसको रेजा धीरे 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 इग्नोर करती है, संबंध धीरे धीरे, समाज धीरे धीरे, दूर होते होते वो किसी और चीज़ों में मिलने लगती है। ये मनोवैज्ञानिक हमारी सोच है, क्योंकि इसको हमको करना है, हमको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे भी बहुत काम करना है, क्योंकि स्वस्थ समाज होना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं खाती पीती नहीं होती हैं तो उनमें खून की कमी क्यों है? डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड हमेशा बताते हैं कि बहुत ट्राइबल महिलाएं आती हैं और खून की कमी रहती है, छोटे छोटे बच्चे, कुपोषित बच्चों को जन्म देती हैं, तो दुख होता है यार इस तरह की बहुत सारी। उनको खुद को जागरूक करना है कि तुम जाओ आशा कार्यकर्ता से ये ले आओ, वो खाओ, सारे पोषक जो तत्व दिए जाते हैं, जो दवाइयाँ रहती हैं, पूरे टीके लगें, मतलब इस ओर जागरूक उनके डिपार्टमेंट पे मत छोड़ो। समाज सेवा इसी को बोलते हैं कि हर चीज़ें आप ना खुद होके करो ना, ये सब खुद होके करो। मैं तो कर ही रही हूँ, चलो मैं तो कर रही हूँ, मैं तो हर बार दिखाऊंगी आपको, साल में 7-8 कैंप तो मैं दिखा देती हूँ खुद ही के, और मैं इसीलिए जानी जाती हूँ। और मेरा जो विभाग है, मेरे को नहीं लगता उनका कोई संरक्षण मेरे पे होगा, या मेरे जैसा कोई प्रोसिक्यूटर या कोई कानून से रिलेटेड व्यक्ति होगा जो मेरी तरह भी काम करता होगा, और उनका जलन करना स्वाभाविक है। लेकिन आप मेरे समाज के लोग हैं, आप मेरे कंधे से कंधा मिलाएं और चलो इस तरह का आज ही करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आज ही करते हैं। और गुड टच बैड टच पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे आपने कार्यशालाएं देखी होंगे। और अच्छा, स्वास्थ्य से रिलेटेड में एक और अच्छे संरक्षण मैं दे रही हूँ, वो है जड़ी बूटी वाले जो दादा होते हैं ना, जो जड़ी बूटी वाले होते हैं जो फुटपाथों में जड़ी बूटी बेचते हैं, हमको उठा के उनको मंच देना है, उनको ऐसा कोई बाजार देना है, हमको ट्राइबल से रिलेटेड कोई हमको खुद को करना है। गवर्नमेंट तो लगाती है, गवर्नमेंट लगाती है, बोलते हैं इस तरह के मार्केट की ट्राइबल ये और वो,
लेकिन उसमें कौन दिगर जाति वाले रहते हैं, बहुत सारे लोग जो दिगर ही रहते हैं, जो हमारे जो दादा हैं लोग हैं आज, जो पुरानी जड़ी बूटियों को जानते हैं या बिल्कुल अचूक नुस्खा जानते हैं, कृपया उनकी जड़ी बूटियों को भी संरक्षण जरूर दें और एक बाजार दें, मार्केट दें, या उनके सामानों को जरूर खरीदें। कभी शहरों में जाते हैं सब्जी खरीदने, तो अगर आपको कोई छींक सर्दी हो रही है या शरीर में अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो एक बार जाके उनके पास बैठ के तो देखें, उनको पूछें कि दवाई किस चीज़ की है, थोड़ा सा उनसे भी लाइए। पैसा किसका आएगा, दूसरे लोग तो उनको इग्नोर कर ही रहे हैं, ऊपर से आप लोग भी उनको इग्नोर कर देंगे, तो बेचारे लोगों की उनकी कहाँ जाएगी। हाँ, इसलिए आज ना उनको इग्नोर करने के कारण जो युवा है ना, उन जड़ी बूटियों में अपना भविष्य नहीं खोज पाता, और जो जब दादाओं की डेथ हो जाती है ना, उसके बाद वो सदा के अपने साथ ले जा लेते हैं, उन्होंने वो ना बच्चे सीखना चाहते हैं कि वो जड़ी बूटी किस काम की थी। ना हमारे जो बीच वाली पीढ़ी थी ना, मैं तो चलो मैं मॉडर्न इतिहास लिख रही हूँ, मैं एक आधुनिक इतिहास को बनाऊंगी ताकि मेरे बच्चे मुझे याद करें। ये जो बीच वाली थी ना, हमारे दादा परदादा वाले, उसमें बहुत सारी चीजें जा चुकी हैं, हमने खुद ने सीखने की कोशिश नहीं की है। 50 साल को ले लो, 50-50 साल को एक एक चीज मान लेते हैं, तो अभी कई लोग 50 साल के हो रहे हैं, उन्होंने अपने पिताजी से क्या क्या सीखा होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो यह चीज है कि बाबा रामदेव और ये, और उन लोगों ने पूरा बिजनेस इस तरह की चीजें कर लिया, जबकि हम प्रकृति के इतने करीब थे, हम लोग इसका भी बहुत अच्छा दोहन कर सकते थे, और बहुत ही जो बस्तर वाला एरिया है या जो अच्छा गढ़चिरौली और बहुत अच्छी चीजें हैं, कृपया ये चीज भी बढ़िया होनी चाहिए। घूमका बनने से अच्छा, घूमका तो एक घूमका में एक गाँव में चल जाएगा, 10 घूमका की जरूरत नहीं है, अगर बनो ये नहीं है, जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा आप ये चीजें सीखो, मतलब जड़ी बूटी आयुर्वेद का आपको बहुत सारी चीजें ये होना चाहिए, तो ये जिसकी ज्यादा जरूरत है उस पर ज्यादा काम करो फिलहाल तो, है ना। अगर मेरे दादी होते और मेरे नाना जी होते या मेरी कोई होता, तो मैं बहुत सारी चीजें सीख गई हूँ। जैसे उस दिन मरावी भैया ने एक सफेद कलर लाल कलर का गद्देदार कीड़ा दिखाया, मेरे को पता है उसकी गर्म तासीर होती है, मैंने बोला दादा अगर किसी को शरीर में हरारा लगता होगा या फिर उसका उसको सर्दी खांसी हो रही होगी, तो पान में उसको कीड़े को सुखा के दे देना। तो इस तरह की चीजें यार, ये मेरी दादी ने मुझे सिखाया तो मैंने उसको सीख लिया, जबकि मैं 5वीं पढ़ती थी और मेरी दादी की डेथ हो गई थी, मेरी उम्र ही क्या थी, 5वीं भी नहीं, मैं 3री पढ़ती थी। उसके बाद ये बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं, क्योंकि मैंने भुलाने की कभी कोशिश ही नहीं करी, और मुझे भूलना भी नहीं है, अब कोई मरते तक भूलना भी नहीं है। ये मेरा स्वास्थ्य से रिलेटेड है, और गोंडियन चैरिटी हर जड़ी बूटी वालों को नंबर चाह रही कि अगर आपके पास नंबर हो और व्हाट्सएप नंबर हो तो आप उनको दीजिए, हम एक उनका रखेंगे, और सारा जो आपका आपका जो प्योर कमाई है वो आप ही को मिलेगा, हमारे से कुछ नहीं, हम आपको दिशा निर्देश देंगे, लेकिन जो भटके हुए हैं उनको हम एक मार्ग में ला के एक छत देने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। और इसमें आप आशा कार्यकर्ता, डॉक्टर, सामाजिक शोधकर्ता, कार्यकर्ता, खासकर महिलाओं को इस कैंपेन में आगे लाएं, और जैसे हमारी पढ़ी लिखी 10वीं 12वीं वाली जो लड़की हो जाती है, उनको जच्चा बच्चा कराना नहीं आता, जच की काम नहीं आती है, मेरी दादी लोग ऐसी आराम से बैठे बैठे, उन लोग वहां जाती थी, 2 बार मालिश करती थी उनके पेट को, और थोड़ी देर में बच्चे रोने की आवाज आती थी, तो ये कौन करेगा, ये तो हम भूल ही गए। हाँ, हम हर चीज डॉक्टरों पे छोड़ दिए, हमारी जो लड़कियां हैं उनको नब्ज, नाड़ी बढ़िया ये सब चीजें आनी चाहिए, सर्दी खांसी में आती है तो बच्चे को कौन सा लेप लगाना चाहिए, बहुत सारी चीजें यार, ये सब चीजें हमको करना है। हमारी मैं बोली ना कि महिलाओं को खाने खाना बनाने तक मत रखिए, ज्यादा दिन इनको अगर आप इस तरह की सुविधाएं दे देंगे ना, तो वो मात्र शक्ति नहीं भक्ति बन जाएंगी, तो इनको बहुत सारी चीजें दे दिए, नाड़ी का अच्छा नाड़ी दोस्त पहचानते आना चाहिए, जड़ी बूटियों की पहचान अच्छी होनी चाहिए, समाज में उठक बैठक गायन वादन बहुत अच्छा आना चाहिए, गायन वादन से बहुत सारी चीजें आई है, बताती हूँ। गोंडियन चैरिटी का एक चीज है सुरक्षा, सुरक्षा को लेकर मैंने बता दिया था, मानव जीवन में एक ऐसा क्षण आता है अपराध का, और जो आपके जिंदगी में एक बार अगर अपराध होता है तो पूरी जिंदगी को तबाह करके रख देता है, वैसी लाइफ नहीं रहती। अगर किसी ने आपको 2 चाटा मार दिया है और आप कानून से न्याय पाने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी लाइफ पहले से डिफरेंट रहेगी, क्योंकि 10 बार आप जूते घिसोगे, वहां जाओगे गवाह बन के जाओगे, लोग बोलेंगे, और उससे मिलना जलना कुछ नहीं है। अगर किसी ने आपका माना कि हाथ तोड़ दिया है मारपीट के, तो आपका ही लॉस हुआ है ना, और आप वहां न्याय के लिए जाओगे तो उसको 6 महीने 2-3 महीने की सजा मिलेगी, तो वो उसमें जमानत पे छूट जाएगा, तो क्या मिला, घंटा, कुछ भी नहीं। तो बहुत सारी चीजें हमको अपने उस पर ही, ये बोलते ना अपने ग्राम पंचायत, और बहुत सारी चीजें अपन हम खुद अपन अपने ग्राम व्यवस्था रखेंगे, सब चीज रखेंगे, तो आज उसको भी ध्यान दें। मतलब सुरक्षा की बात आती है जहां पर, और निर्णय लेने की बात आती है, तो ग्राम सभा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। कोई बातें अगर कोई शादी से रिलेटेड, कोई झगड़ा से रिलेटेड, सुलह से रिलेटेड कोई बात है, तो हमारे समाज के लोगों से भी बात करें, पुलिस के जाने के पहले आप पंचायतों में बात करें, पंचायत इन द सेंस अपने, समझ रहे हो ना,
अपने लोगों से बात करें कि बात को आगे बढ़ाना है कि यहीं पर होना है। अभी पिछले 5 सालों में मैं देख रही हूँ जो लड़कियां हैं, पहले हमारे यहाँ तलाक का ग्राफ एकदम कम था, मतलब ये समझ लीजिए कि 100 में से 5 मामले थे पहले, अब ये 100 में से 10 या 11 मामले आ गए हैं, तो तलाक के मामले भी बढ़ रहे हैं। तलाक के बारे में आप जानते हो ऐसा क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृतियों को भुला दिए हैं और वक्त के साथ हमको बदलना है, मतलब स्वतंत्र स्वच्छंद रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको तलाक कर दें और उसको आप मतलब सामने वाले के एकदम निरीह कर दें और चलो यार छोड़ छुट्टी मुझे दूसरा करना है। जरा सा मेरे दादा और दादी की तरफ जाती हूँ और नाना नानी के